भारत में जल संकट 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है मानवर। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के तट पर ही विकसित और पल्लवित हुई हैं। अधिकांश प्राचीन नगर जो डेवलप हुए हैं वो नदियों के तट पर हुए हैं। लेकिन माननीय सभापति उपसभापति महोदय, देश के सर्वोच्च सदन में और देश के बाहर भी समय समय पर तमाम इस तरह की गंभीर समस्याओं पर चर्चा होती रही हो, जैसे चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, छुआछूत हो, प्रदूषण हो, शिक्षा हो, या जनसंख्या वृद्धि हो, या जल संकट हो, लेकिन आज़ादी के 7 दशक बाद भी ये समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि ये जो आज जल संकट जैसी विकराल समस्या पर इस सदन में जो चर्चा हो रही, महत्वपूर्ण चर्चा हो रही, ये केवल चर्चा तक सीमित ना रहे, बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर के ईमानदारी के साथ इस समस्या से निपटने के लिए कोई गंभीर योजना बनाने का काम करें। अगर हम लोग इस पे गंभीर योजना बना करके जिस तरह से सुझाव हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा, वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा आए हैं, उस तरह के अगर हमने उन सुझावों पे अगर हमने चर्चा करने का काम किया, उन पे अमल करने का काम किया, तो मैं समझता हूँ कि इस जनसंकट से निपट सकता है। जैसा कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, जिस विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले एक दशक यानी कि 2030 से पहले तक भारत जल संकट ग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगा। विश्व बैंक की उस रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं करना हो बेमानी होगा, जो कहती कि जलवायु परिवर्तन और बेतहाशा पानी के दोहन की मौजूदा आदत से बहुत जल्द देश भर के 60% वर्तमान जल स्रोत सूख जाएंगे। अगर कल्पना कीजिए, 60% जल स्रोत हमारे सूख गए, और इन सूखे हुए जल स्रोतों की वजह से गांवों में, जो आजकल गांवों में पानी के लिए मारामारी होती, यहां तक कि हत्याएं तक हो जाती हैं, तो ये समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी। साथियों, मानवर, जो जिस तरह से पानी की समस्या 2030 तक बढ़ रही है, आपूर्ति के हिसाब से दो गुना हमें जरूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी डराती है, जिससे जल संकट 10 अहम खतरों में सबसे ऊपर रखा गया है। मानवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि जब प्यास मनुष्य को पलायन करने पर मजबूर कर दे, तो विकास की बात करना बेमानी होगा। मानवर, सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। उस मंत्रालय के माध्यम से ये कहा है कि हम अगले 5 सालों में हर गांव के हर घर को घर में नल से पीने के पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ये अच्छी पहल है, लेकिन कहीं ये पिछले वादों की तरह, जैसे कि कहा कि 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आएंगे, ये जुमला ना हो। मैं इस आशा के साथ कि आने वाले समय में जिस तरह से सुझाव दिए गए, मैं भी एक सुझाव कि अगर बारिश के पानी को हम 5% भी, अगर 5% भी संचयित कर लें, तो लगभग साल भर में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पानी की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इस सुझाव के साथ कि जो 70% पानी है, जिसमें मात्र 3% मीठा पानी है, उस पानी की व्यवस्था सरकार करेगी, उसके लिए ठोस योजना बनाने का काम करेगी। इस सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।